गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें संजना। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। सो मुझे इस टाइप की वीडियोस देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे लगा व्हाई नॉट मैं भी इस टाइप की वीडियो बनाऊँ। सो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो गाइस, मेरा बर्थडे एक्चुअली पिछले बार की तरह इस बार भी लॉकडाउन में था, तो मैंने अपना बर्थडे सिंपल सा घर पे सेलिब्रेट किया था। बट मुझे सारे गिफ्ट एक्चुअली ऑनलाइन रिसीव हुए थे। सो कुछ गिफ्ट मुझे पहले ही रिसीव हो गए थे एंड कुछ बाद में। तो चलो मैं आप लोगों को सारे गिफ्ट दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फैमिली की गिफ्ट। तो मेरी जो सबसे पहली गिफ्ट है वो है ये ब्यूटीफुल सी वॉच। सो ये एक्चुअली मैंने ही ऑर्डर किया है, बट ये गिफ्ट मेरी मम्मी के साइड से है। तो ये रही मेरी पहली गिफ्ट एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। सो अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो गिफ्ट है गाइज वो है ये। ये है चांदी की लॉकेट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो इसे मैं पहनने वाली हूँ अब मैं आपको। सो गाइस, नेक्स्ट मुझे इस टाइप से एनवेलप मिली है जिसमें पैसे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सो नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड ये मुझे मेरी दीदी ने दिया है। तो ये मुझे मेरे बर्थडे के पहले ही मिल गई थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो बहुत जल्द मैं इसे पहनने वाली हूँ जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो नेक्स्ट है ये। सो इसमें है ये ईयरबड्स। सो मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि एक्चुअली मुझे ये चाहिए था क्योंकि मेरे पास जो हेडफोन थी वो ख़राब हो चुकी थी। मुझे ये रियली में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड ये भी मेरे डीएन जीजू के साइड से है। सो नेक्स्ट है ये। ये ब्लैक कलर की बूट। सो मुझे ये रियली में चाहिए था क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर में एक भी बूट नहीं थी एंड मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। सो मुझे ये भी मेरी सिस्टर ने दिया है एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो नेक्स्ट है ये डायरेमिक सिल्क ओरियो। सो फैमिली के गिफ्ट्स हो गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्रेंड्स के गिफ्ट्स। सो फर्स्ट गिफ्ट है ये जिसके मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगी। सो आप देख सकते हो ये काफी क्यूट है एंड इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे एंड ये मेरी फोटो है। सो ये काफी क्यूट है एंड ये कस्टमाइज गिफ्ट है। Thank you.
नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है ये। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है। वाओ, सो गाइस नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है ये, एंड ये मुझे बहुत 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 प्यारी लगी। थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए, वो भी इस लॉकडाउन में। इतनी खुशी मुझे आज तक। एंड लिटरली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये मैं अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकती हूँ। सो या गाइज, मुझे ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एंड इसमें मेरे चैनल का नाम है। सो मुझे अब तक यूट्यूब से प्ले बटन तो नहीं मिला है, बट ये अवार्ड मिल गई है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर। सो नेक्स्ट है ये, इसे मैं ऑलरेडी खोल कर देख चुकी हूँ। ये बोट की ब्लूटूथ वाली स्पीकर, एंड मुझे ये सच्ची में चाहिए थे क्योंकि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे थोड़ी लाउड म्यूजिक में एक्सरसाइज करना पसंद है, तो अब से मैं इसके साथ ही एक्सरसाइज करूँगी। सो थैंक यू सो मच। सो मुझे एक्चुअली सारे गिफ्ट्स काफ़ी यूजफुल मिले हैं। सो नेक्स्ट है ये, इधर तो ये है डायरी। तो गाइस नेक्स्ट है ये डायरी, आप देख सकते हो ये काफ़ी क्यूट है। सो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं आपसे अपनी टू डू लिस्ट लिखूँगी कि ताकि मेरा डे काफ़ी प्रोडक्टिव हो। तो मुझे ये काफ़ी क्यूट लगा, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है ये, इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ अपने बर्थडे वाले दिन। सो ये है क्यूट सी हैप्पी बर्थडे वाली, इसे आप अपने केक पे डेकोरेट कर सकते हो, एंड इधर से ये लाइट भी जलती है आप देख सकते हो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड वैसे भी मैंने अपना केक घर पे बनाया था तो मैंने इसी से डेकोरेट किया था। आप चाहो तो मैं आपको इसकी लिंक दे सकती हूँ, ये आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड आप इसे बहुत ही बार यूज़ कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट सी हैप्पी बर्थडे वाली, इसे जब कनेक्ट करने पे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइट जलती है, वो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगी। सो ये भी काफ़ी क्यूट है, एंड इसे भी मैंने अपने बर्थडे वाले दिन यूज़ किया था। सो नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है ये। ये देसी फूड्स रियल आम, में है ये ढेर सारी चॉकलेट्स। सो मुझे इसकी जो इमली वाली फ्लेवर आती है वो काफ़ी यम्मी लगती है, एंड ये मैंगो वाली है ये भी काफ़ी यम्मी है। सो अगर आपको भी खट्टे खट्टी चीज़ें खाना पसंद है लाइक इमली या फिर आम, तो आप इसे मंगा सकते हो, ये बहुत ही यम्मी लगता है। सो मेरी फ्रेंड को पता है कि मुझे ये काफ़ी पसंद है, एंड मैं इसे मोस्टली टाइम खाते रहती हूँ, सो इसलिए मुझे उसने ये वाली सेंड करी है। सो थैंक यू सो मच। सो जो लास्ट गिफ्ट है गाइस वो है ये, मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ आप देख सकते हो। सो ये है डेरी मिल्क सिल्क, इसमें ढेर सारी आपको डेरी मिल्क की डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिलेगी, लाइक डेरी मिल्क, बटर स्कॉच, क्लासिक चॉकलेट्स,
डेरी मिल्क आमंड, जिसमें आपको बहुत सारी फ्लेवर मिल जाएगी एंड सारे फ्लेवर काफ़ी यम्मी है क्योंकि मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो गाइज, मुझे एक और भी बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिली है, वो है ये मेरी फ्रेंड ने खुद से बनाया है एंड बट अभी तक हम मिले नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो जब ये ठीक हो जाएगा तो मुझे वो गिफ्ट भी मिल जाएगी। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड नेक्स्ट ये कस्टमाइज चॉकलेट, ये भी काफ़ी क्यूट है गाइज। सो गाइज, यही थी मेरी सारे बर्थडे गिफ्ट्स, आई रियली होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो 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 मच एवरी वन एंड स्पेशली माई फैमिली एंड फ्रेंड्स मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए एंड इस लॉकडाउन में भी मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, वो भी इस लॉकडाउन में। या गाइज, आज के लिए इतना ही, आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज़।